वेलकम टू रीना व्यास चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके साथ में इतने हेल्दी और डिलीशियस समर ड्रिंक्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये जो ड्रिंक्स मैंने बनाए हैं ये आपकी स्किन में को भी ग्लो करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, आपके हेयर को ग्लो करने में भी हेल्प करेंगे और साथ ही साथ में ये आपकी बॉडी को डिटॉक्स भी करेंगे। जब बॉडी डिटॉक्स होती है तो स्किन में वैसे ही ग्लो आता है, न्यू सेल्स जनरेशन होता है और उसके साथ में ही आपकी स्किन ब्राइट होती है, आपकी स्किन ग्लो करने लग जाती है और ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ता है और साथ ही साथ में एक्स्ट्रा जो वेट है वो भी आपका लूज होता है। ये ड्रिंक्स इतने ज़्यादा फायदेमंद है कि ये हमारे घर में जो नेचुरल चीज़ें होती है उससे बने हुए हैं और इतने डिलीशियस है कि मार्केट के जो ड्रिंक्स आप पीते हैं वो आप बिल्कुल भूल जाएंगे और इसी को पीना स्टार्ट कर देंगे। और इसकी सबसे बड़ी खास बात है कि ये 5 मिनट में तैयार हो रहे हैं, इसको बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा है। तो चलिए उस ड्रिंक को एंजॉय करते हैं, देख लेते हैं उसको कैसे बनाया है। तो बढ़ते हैं हमारे पहले ड्रिंक की तरफ जो है कोकोनट छाछ। इसके लिए हमें नारियल का दूध निकालना रहता है। वो कैसे निकालते बता देती हूँ आपको। नारियल के पीसेस कर लेना है, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है और मिक्सी में इसको अच्छी तरह से पीस लेना है। उसके बाद में एक पतले कपड़े में इसको छान लेना है। ये लीजिए, हो गया हमारा नारियल का दूध तैयार। अब इसकी छाछ कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा पुदीना इसमें ऐड करना है, थोड़ा सा जीरा पाउडर, ये दोनों ही बॉडी को ठंडक पहुँचाता है। साथ में थोड़ा सा नींबू डालना है जो स्किन ब्राइटनिंग में काम करता है और काला नमक जो कि आपकी बॉडी को क्लीन करने का काम करता है, आपके खाने को भी डाइजेस्ट करने का काम करता है। ये इन सबको एक साथ पीस लेना है आपको। ये हमारी नारियल की छाछ बनके तैयार हो गई है। इसको गार्निशिंग के लिए ऊपर से आप डेकोरेट कर सकते हैं। ये इतना ज़्यादा हेल्दी होता है, माँ के दूध में जो गुण होते हैं वो गुण आपको नारियल के दूध में मिलते हैं और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। कोई भी मिलावट इसमें हो नहीं सकती क्योंकि नारियल का शेल्फ इतना कड़क रहता है और ये पूरी समर में आप पी सकते हैं। अब चलते हैं हमारे सेकंड नंबर के ड्रिंक की तरफ, मैंगो पना। इसमें हमें पके हुए कुछ आम के पीसेस चाहिए। उसके अंदर हम थोड़ा सा गुड़ डालेंगे, आप चाहे तो शक्कर डाल सकते हैं लेकिन इसको हेल्दी रखने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गुड़ डाला है, खजूर भी डाल सकते हैं। साथ ही मैंने थोड़ा सा जीरा पाउडर इसमें यूज़ किया है और थोड़ा सा यहाँ पर काला नमक डाला है। उसके साथ ही यहाँ पर डाले हैं थोड़े से पुदीना के पीसेस क्योंकि इसमें एस्ट्रोजन प्रॉपर्टी होती है और बॉडी को क्लीन करने का काम करते हैं। इसमें हम थोड़ा सा पानी मिलाएंगे, बस अब इसको मिक्सी में पीस लेना है और पीसने के बाद में इसमें थोड़ा सा नींबू भी निचोड़ना है। ये जो बीज गिर गए थे वो मैंने निकाल लिए थे, बीज आपको ध्यान रखना है, निकाल लेना है नहीं तो आपका शेक कड़वा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा मैंगो पना बन के तैयार हो गया। इतना हेल्दी, इतना डिलीशियस है कि जब भी आप गर्मी में से आते हैं और इसको पीते हैं तो बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। इसको हमने गार्निश करके रख दिया है। तो चलिए बनाते हैं हमारा थर्ड ड्रिंक जो है दही की छाछ। तो यहाँ पे हमको सिंपल दही लेना है और उसके अंदर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा अदरक मिक्स किया है, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो मिक्स करें। थोड़ी सी हरी मिर्ची मैंने इसके अंदर डाली है। अगेन हम इसमें भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे, काला नमक डालेंगे, आप सेंधा नमक भी डाल सकते हैं और थोड़ी सी पुदीने की पत्तियाँ डालेंगे। मुझे इसमें पुदीने का टेस्ट कम पसंद है इसलिए मैंने कम पुदीना डाला है। पानी डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद में आप इसको ग्लास में ले लेंगे। ये जो छाछ है वो आपको इतना ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट देगी, आपकी बॉडी में जो भी गर्मी है उसको बाहर निकालती है। इसमें आइस क्यूब्स डाल दे, इस तरह से पुदीने से गार्निश कर दे तो थोड़ी देखने में भी अच्छी लगती है और उसके बाद इसको सर्व करें। पूरी गर्मियों में सबसे ज़्यादा मेरा जो फेवरेट ड्रिंक है वो ये वाला है, दही की छाछ। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे 4 नंबर के ड्रिंक की तरफ जो है जलजीरा। ये बनाना बहुत ज़्यादा इजी है। आपको थोड़ा सा ठंडा पानी लेना है और उसके बाद में मार्केट में जलजीरा पाउडर इजीली मिल जाता है, मैंने भी वही यूज़ किया है। मैंने इसके अंदर थोड़ी सी हल्दी मिलाई थी क्योंकि मुझे इसमें हल्दी का टेस्ट अच्छा लगता है और उसके बाद में इसको पानी के अंदर मिक्स कर देना है। ये हो गया आपका जलजीरा ड्रिंक तैयार। ये भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है और बॉडी में ठंडक पहुँचाता है, इस समर के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है जलजीरा। चलिए बढ़ते हैं हमारे लास्ट ड्रिंक की तरफ जो है पुदीने का शरबत। इसके लिए हमें थोड़ा फ्रेश पुदीना चाहिए जो अच्छी तरह से पानी से धुला हुआ हो। इसमें थोड़ा सा अदरक मिक्स करना है, अदरक आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग मिक्स कर सकते हैं। उसके बाद में थोड़ा सा जीरा पाउडर इसके अंदर डालना है। अब इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा काला नमक, सेंधा नमक भी आप यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद में एक बड़ा चम्मच आपको डालना है नींबू का जूस। नींबू के जूस से ही इसमें टेस्ट आता है। अब इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स कर लेंगे और इसको मिक्सी में अच्छी तरह से पीस लें
बना है। ये मेरा फेवरेट जूस है और ये हमेशा मेरे पास बना हुआ रहता है, मुझे इसका टेस्ट बहुत पसंद है। इसको छानना नहीं है, इसको वैसे ही आपको लेना है। पुदीना जो होता है वो बॉडी में ठंडक देने का काम करता है, तो ये हमारे जूस बन के तैयार हो गया है और आप इसको अच्छी तरह से इंजॉय कर सकते हैं। बर्फ़ डाल के और इसको इंजॉय कीजिए। आपका जो भी पसंद का जूस हो उसको आप इंजॉय कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। शरीर के अंदर जाके आपको पॉजिटिव इफेक्ट दे, वैसी चीज़ें आपको लेना चाहिए, वैसी चीज़ें आपको खाना चाहिए और वैसी चीज़ें ही आपको पीना चाहिए। हमारे मदर नेचर ने हमको इतनी सारी चीज़ें दी है कि हम उनमें से ही नई नई तरह की चीज़ें बना बना के खा सकते हैं, पी भी सकते हैं और इतना डिलीशियस टेस्ट भी हमें इन्हीं चीज़ों को यूज़ करके मिल सकता है। तो नेक्स्ट टाइम आप इस ड्रिंक को ज़रूर बनाइएगा और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिएगा आपको अच्छा लगा हो तो। और मेरा आपसे क्वेश्चन है कि इन 5 ड्रिंक में से आपका फेवरेट कौन सा है, कमेंट में मुझे ज़रूर लिख के बताना। मिलते हैं इसी तरह के एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।